हेलो, दिस इज़ पैज सर हियर। वेलकम यू ऑल टू स्टडी फ्रॉम होम। लेट्स स्टार्ट विद आर क्लास 5 EVS विद चैप्टर नंबर 8, अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। इन आर प्रीवियस वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट एल्गी एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट अ क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क। दैट क्वेश्चन यूल हैव टू find out, and also the poster is given to on the basis of that poster the question has been asked you, right? Such questions answered that you'll have to find, but still I'm not getting the proper response of students. As I have told already that it is compulsory for you to comment this question's answer to make study fun loving and interesting, right? It creates lots of interest in you too. So I just hope you will all do right. And again, I am giving today and tomorrow to give answer of these questions, right? On Saturday I will give answer of these questions, and also we will compare your answer with mine too. But today let's start and let's move to the new topic, which is mosquito check. So here is an activity given that you'll have to do by making groups or two three students group, and each group will go around to check one area in school or around it. As nowadays schools are closed, so you will have to go around to check one area nearby your house or a places where you can find mosquito. So एक activity दी है जो अगर school start होती तो हमें क्या करना होता, 2-3 students का group बना के school के around और school के कुछ ऐसे areas के जहाँ पर mosquitoes मिल सकते हैं उस area को हमें क्या करना होता, check करना होता। लेकिन as schools अभी क्या है, बंद है, so this activity you can do at your house or nearby your house. It must carefully note if water has collected anywhere. और इसमें आपको note करना है that कि आपको नीचे के options दिए गए हैं उस जगह पे पानी भरता है कि नहीं, या फिर पानी भरा हुआ रहता है कि नहीं। एंड mark correct where it finds stagnant water. और जहाँ पे अगर पानी भरा हुआ रहता है या फिर ख़राब पानी भरा हुआ रहता है वहाँ पे आपको टिक मार्क करनी है, राइट मार्क करना है। देन ऑप्शन फर्स्ट इज गिवन हियर, पॉट, राइट। देन जस्ट थिंक अबाउट पॉट कि जहाँ जहाँ पे आप पॉट देखते हो वहाँ पे क्या होता है, देख के कभी कभार जो पानी है वो ओवरफ्लो होता है, या फिर ज़्यादा पानी हम प्लांट्स को देते हैं या फिर पॉट में भर जाता है, देन वो फिर ओवरफ्लो होता है, देन उसके नज़दीक पानी या फिर खराब पानी भरा हुआ रहता है, या फिर कहीं पे सिर्फ एक पॉट भरा हुआ रहता है, चाहे वो टूटा हुआ हो या फिर अच्छा हो लेकिन खुले में पड़ा हुआ है, देन मैनी ऑफ अ टाइम्स क्या हो जाता है, वो पॉट पानी से भर जाता है और धीरे धीरे वो पानी क्या हो जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है, मीन्स ख़राब हो जाता है। देन कूलर, राइट। यहाँ पे 50-50 आंसर आ सकते हैं, यू कैन ऑल्सो टिक करेक्ट और यू कैन ऑल्सो मेक रॉन्ग। वाई? सो इफ़ अ कूलर हैज़ लीकिंग प्रॉब्लम देन मे हैव अ चांसेस दैट के वहाँ पे क्या हो सकता है, पानी भरा हुआ रहता है। एज यू मे हैव सीन आउटसाइड ऑफिस ऑफ एनी बैंक और एनी इंश्योरेंस ऑफिस और मे एनी अदर ऑफिस वेर एसी लगे हुए रहते हैं, देन उनका जो पानी लीकिंग का यानी जो पानी बाहर निकालते हैं आउटडोर करते हैं, देन वहाँ पे अगर प्रॉपर केयर नहीं रखी जाती देन उसका पानी क्या होता है, लीकेज होता है। देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन टेक आइदर रॉन्ग और करेक्ट, दैट डिपेंड ऑन अ पोजिशन और एरिया विच काइंड ऑफ यू हैव ऑब्जर्व और विच काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव। नाउ टैंक, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो टैंक होता है जिसमें पानी भरा हुआ पानी भरा जाता है, देन ओवरफ्लो होने के बाद उसके जो नियर बाई एरिया है या फिर सराउंडिंग एरिया है वो क्या हो जाते हैं, मॉइस्चर वाले रहते हैं, जहाँ पे एल्गी ग्रो हो जाती है, और मॉइस्चर होने के मॉइस्चर ज़्यादा रहता है उसके कारण वहाँ पे मॉस्किटोज पाए
जाते हैं. एनी ओपन स्पेस इन द स्कूल ग्राउंड बट ऑब्वियस एंड 110% वी कैन टेक राइट. राइट के जो एनी ओपन स्पेस होते हैं जहाँ पे यानी एक स्टेजनेंट यानी एटमोसफियर रहता है या फिर वहाँ पे यानी नियर बाई जो गतर है या फिर ऐसा कुछ है देन वहाँ पे मॉस्किटोज ले करते हैं या फिर मॉस्किटोज पाए जाते हैं गतर. बट ऑब्वियस यस टेक देन मोर ऑफन वी कैन वी हैव सीन और वी कैन सी डेट वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है मॉस्किटोज देखने को मिलता ही है. एंड एनी अदर प्लेस राइट एनी अदर प्लेस मीन्स वेयर स्टेजनेंट वाटर इज बीन कलेक्टेड राइट और टाइनी टाइनी लिटल पॉन्ड्स इफ अक्योर्ड एंड वेयर स्टोर स्टेजनेंट वाटर हैज बीन कलेक्टेड सच प्लेसेस राइट मॉस्किटो कैन बी ले एंड वी फाइंड मॉस्किटोज टू. सो दिस इज हाउ वी कैन वी हैव और वी विल कम टू नो अबाउट दैट कि ये जो सारे प्लेस है वहाँ पे जनरली मॉस्किटोज क्या करते हैं ले करते हैं या फिर ब्रीद करते हैं या फिर मॉस्किटोज को ब्रीद करने के लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है. देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आल्सो केम टू नो अबाउट दैट कि हमें ये सारी की सारी जगहों को क्या करना चाहिए क्लीन करना चाहिए और इसे साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि मॉस्किटो वहाँ पे ब्रीद ना करे. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन इज बीन आस्क रिलेटेड टू इट सिंस हाउ मेनी डेज हैज़ वाटर कलेक्टेड देयर राइट कितने दिनों से वहाँ पे पानी भरा हुआ रहता है. हो सकता है वन डे टू डेज वीक टू वीक मंथ आंसर मे बी वारी अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन और अकॉर्डिंग टू योर चेकिंग. Now, number two, who is responsible for keeping these places clean? कौन responsible है इन places को clean करने के लिए. Then we can say that कि अगर हम school की बात कर रहे हैं then कि school के अंदर या फिर school के surrounding area में अगर ये चीज़ पाई जाती है then definitely it is school authorities responsible. लेकिन अगर outside school है then it relate to municipal corporation then those body or those that organization has to take responsibility to keeping these places clean. Who is supposed to get the gutters and drains repaired yani ye kin logo ki aur kaun logo ki responsibility hai कि वो गटर्स और जो ड्रेन्स टूटे हुए हैं या फिर खुले हैं राइट ओपन ड्रेन्स एंड गटर्स है देन वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट के उसको रिपेयर करे. देन दिस इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन राइट टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन्स रिपेयर्ड उनको खुला ना छोड़ना उनको ढक के रखना राइट ताकि मॉस्किटो ब्रीद ना करे फ्लाइज उसके ऊपर ब्रीद ना करे ताकि जो डिजीज एक फैलती है सोसाइटी में वो डिजीज ना फैले. इसका पूरी पूरी केयर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी बनती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बनती है. नाउ कैन एनी लार्वा बी सीन इन द कलेक्टेड वाटर. Yes, many of the times you can see larvae in the collected water as these collected waters provide a suitable environment for mosquito to breed. Yani ye jo collected water wali jo jagah hai wo mosquito ko ek suitable environment provide karta hai kiske liye ब्रीद करने के लिए यानी बच्चों को जन्म देने के लिए. एंड एज हमने कल देखा दैट के लार्वे आर द बेबी मॉस्किटोज यानी मॉस्किटो के वो क्या है बच्चे हैं. देन इस जगह पे डेफिनेटली क्या होते हैं लार्वे पाए जाते हैं या फिर लार्वे कैन बी सीन इन द कलेक्टेड वाटर. हैज़ इट कॉज्ड एनी प्रॉब्लम इन द एरिया राइट We already have discussed so many things regarding that how mosquitoes spread disease as well as how flies spread disease. So definitely it caused many problems in the area regarding malaria, dengue, chikungunya. So many diseases can be spread by these
stagnant places or stagnant water or collected water nearby our house or nearby our school or any other place where open gutters are there, drains are there, right? And gutters and drains were not properly maintained. So such places become contaminated. यानी ये जगह सारी की सारी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है. So these are your answer. And again, I am repeating this that I have given these questions, right? That you will have to give answer. So again, right? I am giving today and tomorrow to give this question answer. Then I just hope that from on now, when you'll see this video, you will starting to give answer of this question in an appropriate way. So that's all for today. Inshallah, in next video we will see about, or we will see a next point, which is survey of report.